डोईवाला में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की उपजाऊ भूमि को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। धामी सरकार डोईवाला में कई गांवों की जमीनों का अधिग्रहण कर वहां इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने जा रही है, तभी से डोईवाला के किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। वहीं महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पर खरीद कर पूंजीपतियों को देने की तैयारी कर रही है, लेकिन पूरे भारत का किसान एकजुट है और डोईवाला के किसानों के साथ खड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की एक इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुकी है, किसानों की जमीन को औने पौने दामों में खरीदकर पूंजीपतियों को दे रही है। केंद्र सरकार किसानों की जमीनों की दुश्मन है, बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, किसान सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। ये जाएगी नहीं, जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि गांव उठाकर इनको चले जाएंगे, इनका पूरे देश में प्लान है कि किसानों से किस तरह से जमीन छीन जाएगी, उसी को डेवलप करके और फिर महंगे रेट में उन्हीं को बेच दो, जमीन छीन लो उनकी सारी। व्यापारी डेवलप करेंगे, कर जाओ व्यापारी तो ले रहा आजकल जमीन में। भाई ये कहे कुछ है, बीजेपी के कहे कुछ और करे कुछ। वही इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजवीर सिंह खत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में अपनी मंशा साफ करे, यदि वो किसानों की जमीन छीन रही है तो हम इसका विरोध करते हैं। हम इसको आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।